फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में फ्रेंड्स हमारे पास पांच सेंटेंसेस होते हैं, यानी पांच इकसाम के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर वन अजर्टिव, नंबर टू इंटरोगेटिव, नंबर थ्री इंपेरेटिव, नंबर फोर एक्सक्लेमेटरी और नंबर फाइव ऑप्टेटिव। तो फ्रेंड्स ये पांच काइंड्स होती हैं सेंटेंसेस की। इनमें से जो पहली तीन काइंड्स हैं यानी कि असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव, ये हम इसी लेवल में पढ़ेंगे, जबकि बाकी जो दो काइंड्स हैं यानी कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, वो हम लोग इंशाल्लाह ताला जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे तो उससे फौरन पहले हम दो काइंड्स उन्हें हम कोशिश करेंगे हम टच करें, क्योंकि इन पाँच काइंड्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को समझने के लिए आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही वजह है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले इन पांच काइंड्स को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम जो फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हैं उनका सबसे पहला जो सेंटेंस है यानी कि असर्टिव सेंटेंस, उसको पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले फ्रेंड मैं आपको यही बता दूँ कि असर्टिव सेंटेंस इतना आसान और सीधा है कि सच्ची बात है कि इसको मुझे ज़ाती तौर पर मुझे ये महसूस होता है कि इसको पढ़ने या पढ़ाने की सिरे से ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि ये हमारी फॉर्मेलिटी है, हमें पांचों काइंड्स के नाम और पता होना चाहिए किस तरह के सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, लिहाजा हम आज इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना सिंपल है। देखिए असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन में हमें बता रहा है कि जिस जुमले में किसी बात के होने या ना होने की बात की जाए वो जुमला असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स किसी भी सेंटेंस में अगर आप किसी बात के होने की बात करें या किसी बात के ना होने की बात करें तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब अगर मैं इसको मज़ीद आसान कर दूँ, मज़ीद इसको सिंप्लीफाइड कर दूँ, तो आपको मैं यूँ कह सकता हूँ कि आपने जितने भी अफर्मेटिव अब तक पिछले जो आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं इनमें आपने जितने भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं वो सब के सब असर्टिव थे। यानी कि आसान अल्फाज में तमाम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कि जिनमें सिंपली कोई बयान किया जाए यानी जिनमें ना तो कोई सवाल हो, ना ही वो इम्पेरेटिव उसमें कोई हुक्म हो, ना ही उसमें कोई एक्सक्लेमेशन पाई जाए, ना ही वो ऑप्टेटिव हो उसमें कोई दुआ हो या उसमें कोई हैरत का इजहार हो। यानी कि जो हमारी चार काइंड ऑफ सेंटेंसेज हैं असर्टिव के अलावा, अगर उन चार में से कोई भी चीज़ किसी सेंटेंस में टच नहीं हो रही और उस सेंटेंस में सिर्फ या तो कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था तो फ्रेंड्स वो सेंटेंस असर्टिव कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक दो सेंटेंसेस लेते हैं। सिंपली मिसाल के तौर पर अगर अभी राइट नाउ हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो अगर हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर वी आर लर्निंग इंग्लिश तो फ्रेंड देखिए जब हम कहते हैं वी आर लर्निंग इंग्लिश तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ होने की बात कर रहे हैं, कुछ करने की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम इसमें कुछ बयान दे रहे हैं, कोई सीधी सी बात है जिसको जिसके बारे में कहने के ऐसा हो रहा है या हम ऐसा कर रहे हैं तो ये असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। और आप जो पहले तीन चैप्टर्स पढ़ चुके हैं इससे उसमें आपने इन सेंटेंसेस को बतौर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के पढ़ाए। अब इसी को अगर आप नेगेटिव कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ ना होने की बात कर रहे हैं, किसी बात से इनकार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, तो देखिए फ्रेंड्स आपने इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा किया और नॉट का इजाफा करने से आपने किसी बात से इनकार किया, कुछ ना होने की बात की। यानी या तो कुछ होने की या कुछ ना होने की बात करें, या कुछ करने की या कुछ ना करने की बात करें, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जिसमें कुछ करने की या ना करने की बात की जाए या कुछ होने की या ना होने की बात की जाए तो वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एक सेंटेंस हम और भी ले लेते हैं फ्रेंड, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अली इज रीडिंग अ बुक। जब हम कहते हैं अली इज रीडिंग अ बुक फ्रेंड, तो देखिए हम कुछ करने की बात कर रहे हैं, किसी शख्स के कुछ करने की बात कर रहे हैं। अली इज रीडिंग अ बुक तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग शामिल करते हैं असर्टिव काइंड में। और अगर आप इसको इनकार कर दें इसका, वेरी सिंपल, अली इज रीडिंग अ बुक, अली इज नॉट रीडिंग अ बुक, अली इज
not reading a book. Ali is not reading a book. तो फ्रेंड क्या किया हमने, सिर्फ इसमें not का इजाफा किया. आप देखें फ्रेंड्स कि अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि असल में ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. तो आसान अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि तमाम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर मिलाकर एक नाम दिया जाए तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. यानी एक बार फिर डेफिनेशन देखते हैं. जिस जुमले में किसी बात के होने यानी कि अफर्मेटिव या ना होने यानी कि नेगेटिव की बात की जाए वो जुमला वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. तो फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है. आप जितने सेंटेंसेज अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में वो सब के सब असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं. तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये इंतहाई सिंपल जो पार्ट है आपकी लैंग्वेज का वो आप समझ चुके होंगे. फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ. तब तक के लिए सलमान खट्टर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.